Let's start with the recap. ये हमारी पहली कैंपसाइट है और उसका नाम है झूला. 1 kilometer into the first day of our trek, feeling good. 20 more kilometers to go. पहले 20 किलोमीटर कर ही लिए. This is the Payu camp. After 26 kilometers, we have made it. बहुत अच्छा वेदर है ट्रैकिंग करने के लिए. 1.5 to 2 घंटे के अंदर बुलतोरो ग्लेशियर आएगा. बुलतोरो को भी ट्रैवर्स किया हमने. गिरे तो ऐसे जाएंगे और चढ़े तो पार. वेलकम टू एपिसोड 3. खुश आमदीद फ्रॉम उर्दुकस. आज हम करेंगे लॉन्ड्री क्योंकि करके आए थे ट्रैक और कपड़ों में आ गई थी स्मेल. अंदाजा होता है कि बाबी सही करवाती है. यहाँ कोई कपड़े धो रहा है, कोई मुंह धो रहा है और कोई सब कुछ ही धो रहा है और देखने वाले खूब एंजॉय कर रहे हैं. इधर पहुंच के खुशबू आना शुरू हो गई है पुदीने की और हमें नजर आ रहा है कि फूल भी उग रहे हैं. बलतोरो पर ऐसे फूल कम ही नजर आते हैं. We're gonna eat you. Do you agree with that? मरियम क्या करी? कुछ करना है क्या? कुछ करना है? ओए चिल्ले वाला तो बड़ा हाईटेक है यार. लगता है ज्यादा किचन में जाते नहीं है. नो, नाइस क्लीन शेव. चलो अगर तुम यहाँ पे लगी हुई हो तो फिर मैं स्टंट में जाके कुछ करता हूँ. इस टन टन के आने से पहले अगर बंदा जाग जाए ना तो बेहतर है. और आज मैं पहले गए जाग के दूर खड़ा हुआ हूँ अपने एल्पाइन बेयर के बैग के साथ. Let me tell you a little bit about this bag. 50 लीटर का बैग है. हाइड्रेशन के लिए बॉटल्स के पाइप के लिए एक सेपरेट चैनल भी दिया हुआ है और इस तरह के ट्रैक के लिए आप रेन कवर के बगैर तो जा ही नहीं सकते. ये इनका समिट बैग है. जिप्स भी सॉलिड हैं, बकल्स भी टाइट हैं और बैग भी प्रोटोटाइप है. एल्पाइन बेयर के मैं बड़ी देर से बैग इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मेरा अब ट्रैकिंग बैग बन गया है. ट्रैक के पहले दिन मुझे घर याद आने लगा. दूसरे दिन मुझे अम्मी याद आने लग गई थी. तीसरे दिन मुझे ये समझ आने लग गई कि जब जंग पे जाते हैं तो अपनी बीवियों और बच्चों की तस्वीरें क्यों अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि तीसरे दिन मुझे अपनी बीवी बहुत सख्त याद आने लग गई. अब चौथा दिन है, अगर बच्चे होते तो वो भी याद आने लगते, लेकिन वो है नहीं. और आज ट्रैक थोड़ा आसान लगने लग गया. हाँ, और साथ में कुछ नए दोस्त भी बन गए थे ना. हेलो ब्रदर. हेलो ब्रो. हाउ आर यू? ओके ओके. या कैसी गुजरी रात? So cool, like I. But actually, आज की views बहुत अच्छे हैं. So आपने देखी है Broad Peak, Gajabroom 2? Yes. आपने देखी है मेरी सूजी हुई उंगली? ओए ये bad scene है. लेकिन कोई मसला नहीं bro. कोई मसला ही नहीं bro. यहाँ पे हाथ वैसे भी इस्तेमाल नहीं होता. घर जाऊँगा तो Counter Strike खेलने में बस मसले होंगे. ओए ओए ओए, एक बबल बात हो जाए, एक जकूजी हो जाए, सोना हो जाए. I'm just sit there. Have some nice food. खाना तो इधर भी है, थोड़ा सरसों का साग मक्खन के साथ. चखोगे? The super food I want is never to have to go to the bathroom again. Never. It is the one I want. बहुत भयानक वैसे. माँ की हैं मासूम ख्वाहिशात, छोटा सा, और सोहेल के हैं बड़े बड़े ख्वाब. उसको सॉर्ट करेंगे. यस, कोशिश करेंगे. उर्दू का से निकलते ही सबसे पहले आपकी नजर ब्रॉड पीक पर पड़ती है. Then Gajabroom 4, the shining wall, and then the most beautiful of them all, Mashabaram, जिसे K1 भी कहा जाता है. माशाल्लाह, ये लोग भी लगता है यहाँ पे यही काम करने हैं, नज़ारे लेने हैं. आज का ट्रैक जो है बहुत ही मुश्किल है ट्रैक, और हम ग्लेशियर के ऊपर सो रहे होंगे. नींद पूरी होना, ट्रैक करना मसला ही कौन है ब्रो. कुछ लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग नाच भी रहे हैं. हर कोई अपनी ही धुन में मस्त है ब्रो. वो ये पत्थर से चेक कर, कितने रंग बिरंगे हैं. क्या बात है यार. साथ भाई, इस जगह को क्या कहते हैं? उर्दुकस से आगे बलतोरो राउंड 2 शुरू हो जाता है. अब आप ग्लेशियर के किनारे नहीं, इसके ऐन दरमियान में चल रहे हैं. आपका मुहासरा करने वाले रहजन दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं. यहाँ ग्लेशियर के बीच नदियाँ रवा हैं और आप उनको कूदते फलांगते आगे बढ़ते जाते हैं. कूदने का तो मैं अब चैंपियन बन चुका हूँ और फलांगने का मैं भी ब्रो. आ
हेलो ब्रदर। हाय ब्रो। मेरी ये दो बहनें नदीमा और समाना शमशाल से आई हैं। जितनी ये नरम दिल हैं उतनी ये ताकतवर भी हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की। हाँ, हम तो कर सकते हैं। हम भी कर लेंगे। अगर आज हमारी नदीमा ने मदद ना की होती तो हम यहाँ तक ना पहुँचे। नहीं भाई, हमने कायदे एक्सपेडिशन है हमारी। काम चेक करो इनके वजन बराबर करने के लिए। बीच में पत्थर डाल उन्होंने इसलिए नहीं डाला कि आप पूरे नहीं हो सकते। मैं छोटी सी हूं ना, ये बड़ा है। अली भाई 1 अली भाई 401 आई एम अ स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन। बूम, यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट टू मेक इट ऑल द वे हियर मैन। गौरवन में हमारी निगाहें अब्दुल की राह तकती हैं क्योंकि प्लान के मुताबिक आज ही उसे यहाँ गौरवन पहुँचना है। मगर जोशी भाई के आने में अभी थोड़ा वक्त है और साथ में नूडल्स तैयार हैं और आम भी। अब वेट कर ही रहे हैं तो साथ में आपको जोशी भाई के बारे में ज़रा बताते हैं। कोपेमाई की दुनिया में अब्दुल जोशी का अपना अलग एक मकाम है। अब्दुल उन रास्तों पर चलने का आदी है जहाँ उससे पहले किसी दूसरे के कदम नहीं गए होते, और इन नए रास्तों पर चलता वो नए जहान दरियाफ्त करता है। इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही है। अब्दुल और उसकी टीम ने मशा ब्रमला को हुशे की साइड से क्रॉस किया है। कोपेमाई और कोनवर्दी की तारीख में ये पहली टीम है जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। दुनिया से दूर ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर अपने दोस्त से मुलाकात कोई मामूली बात नहीं। यही आवारगी हमारे खेल का हुसन है और बस यही बेलोस रिश्ते हमारी दौलत और कमाई है। हम लोग आपको उधर ढूंढ रहे थे। मैं तो इधर हूँ। जोशी भाई, हमने आपके पीछे ड्रोन भेजा बकायदा हमने। कैसे हैं? थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आपको पता नहीं कितनी खुशी हुई आपको मिलके। एहसान किधर जाना? वो पत्थर पड़े हैं मुन्नू भाई। हाँ वो पड़े, ठीक है। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो हम जिंदा हैं, और अगर हम जिंदा हैं तो इसका मतलब ये है कि हम गुम गए थे, मैं और एहसान, और हमने इन पत्थरों का सहारा लिया अपना रास्ता ढूंढने में जो लोग लगा देते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होना तो इन पत्थरों को फॉलो करो। एडवाइस, किसी और के लगाए हुए पत्थरों से हमारी मदद होगी। वैसे अगर हम सब एक दूसरे की इसी तरह मदद करते रहें तो जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी। थैंक यू फॉर दिस। पहुंच गए एहसान। ये बेटा आइसक्रीम खाओगे? नहीं चाहिए। बड़ा ना शुक्र है। ऐ तेरी ऐसी दी तैसी। साथ भाई को थोड़ा सा ज्यादा गर्मी लग रही थी तो साथ भाई के ना नीचे से पानी भी गुजर रहा है और साथ भाई ने कैंप भी लगाया अपना। हमने कहा यहाँ गर्मी ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा एयर कंडीशन का इंतजाम कर रहे हैं। सामने K1 फ्रेश डिस्कवर्ड भी, K2 से भी पहले ये डिस्कवर हुई इसलिए इसका नाम है K1। रात को स्नो भी होगी ना? रात को, दिन को, जब दिन करेगा स्नो का वो होगी। हम कितने बुलंदी पे हैं? 4,350 रात को आज, और -10 तक जा सकता है। अच्छा, बुलतोरो ने आज हमें -10 तक लेके जाना। ओह क्या बताऊँ आपको, बुलतोरो के सीन रातों में खौफनाक आवाजें भी आ सकती हैं। ओ तेरी खैर, बहुत महंगे बहुत महंगे, बचाना पड़ना है। रात को तो सोए थे बड़े मजे से। क्या? कल रात को यहाँ पे आया था एक एवलांच और शुक्र है हमारे तक ना पहुँच पाया, लेकिन आवाज़ हमें ज़रूर आई थी। और ये सारी जगह इतनी स्नोड इन नहीं थी, ये एक ग्लेशियर है लेकिन इसके ऊपर उस वक्त मोरेन था, इस वक्त इसके ऊपर स्नो है। Now I'm on mission, get the toiletries all the way over there. Let's go. Miss! मैंने तो ये देखा है खेल मर्द और औरत के दरमियान कोई तफरीक नहीं रखता, वो तो जो महारत रखता है उसको जिता देता है। ये सिर्फ हम इंसान हैं जो एक को दूसरे से बेहतर समझने लगते हैं। इश्टी बिश्टी सिस्टम हो गया तेरा। यार कुछ नहीं हो सकता। डेली मॉर्निंग रिचुअल। मुरु भाई, यहाँ पे रास्ता है किस तरफ? मुझे क्या पता ब्रो, शायद इस तरफ है शायद उस तरफ। मुरु भाई, ये जो आपके दस्ताने हैं ये इनसे क्या आपको टच चल जाता है?
इन दो उंगलियों से चलते हैं। पावर फिंगर। ओह, मैं भी आपको दिखाऊं अपनी पावर फिंगर। दिखाओ। ये जो भी आगे बंदा होगा वो रास्ता बनाएगा उसी को फॉलो करना है। दाएं मैं कहीं नहीं जाना, आप वो आगे होंगे कोशिश करें उनसे उनको फॉलो करें। इतना कुछ नहीं है, अच्छा मौसम है, ये थोड़ा बहुत बर्फ चल रही भी एडवेंचर का हिस्सा है, तो इस परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आज पहुंच जाएंगे गनकोडिया जो हमारी पहली मंजिल है, और फिर अगर वेदर ने साथ दिया तो आज ही केरल का इलाज हो जाएगा। बर्फबारी होती है ना इसमें मौसम गर्म रहता है। हाँ, मोरू भाई भी फुल ने भी उतार दिया रेनकोट। और नया फैशन ट्राई करेंगे आज, एक बैंडाना, एक सन हैट, एक रेनकोट। ये वो स्वैग है जिस पे सब फिसलते हैं। क्यों अहमद, चेक कराना अपनी कैटवॉक। वाओ अहमद, मौसम बेहतर हो गया जैसे हमारे पे भी किसी ने तरस खाए। हा हा हा, खूबसूरत मौसम और दिलकश नज़ारे। तेरी खैर, देख के मुरू अहमद भी व्लॉग कर रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं उनके चैनल पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हम तीनों इतने पीछे रह गए कि एक और ग्रुप भी हमारे साथ कैचअप करने लग गया। ये लोग घोड़े पे जा रहे हैं। आप सेकंड वाले ग्रुप से हैं? जी जी। हाँ सर। तो कितने बजे उठते हैं वो लोग? वो लोग उठते हैं सर, नाश्ता देते 7 बजे। ठीक है। फिर उठते 8 बजे। हाँ। रवाना 9:15 बजे। हैं? इस तरह हालात है हमारा ग्रुप का। हाँ, और हमारी टीम ज़रा थोड़ी टाइम की पाबंद और पैदल जाना पसंद करती है। जल्दी निकलने से अगर आप स्लो भी चलें तो आप अपनी मंजिल तक डेडलाइन से पहले पहुंच जाते हैं। कनकोडिया 4,561 मीटर की बुलंदी पर वाके वो मकाम है जहां 3 बड़े ग्लेशियर्स आपस में मिलते हैं, बल्तोरो, गॉडविन ऑस्टिन और वाइन ग्लेशियर। कनकोडिया को द थ्रोन रूम ऑफ माउंटेन गॉड्स और ट्रॉफी रूम ऑफ माउंटेनियर्स जैसे नाम दिए गए हैं। ये दुनिया का वो वाहिद मकाम है जहां 8,000 मीटर से बुलंद 4 चोटियां मौजूद हैं, गेशेब्रम 1, गेशेब्रम 2, ब्रॉड पीक और K2। साथ भाई, K2 कब नजर आएगा? अल्लाह ने खैर की तो नेक्स्ट एपिसोड में नजर आ जाएगा। चलें ठीक है फिर।